एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मोहित ब्लॉग वाली क्लिप। मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था अपना, तो जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो मतलब पहले मैंने जो क्लिप ले ली थी क्योंकि फार्म में आग लग गई थी एकदम सिलेंडर में। मम्मी से बात करी, मैंने कहा मम्मी फ़ोन काटो क्योंकि इतनी ज़्यादा इतना भयंकर इतना छोटा वाला सिलेंडर होता है ना जो 5 किलो वाला, उसी में एकदम आग लग गई। पहले उन्होंने बहुत कोशिश की चद्दर कंबल वंबल से बुझाने की, बोरी ओरी से, लेकिन नहीं बुझा। फिर बाद में उन्होंने मट्टी डालना स्टार्ट कर दिया और आप लोग देखना आगे क्लिप में कि कितनी ज़्यादा इतनी दूर है हमारे यहाँ से, काफ़ी दूर है, पर मैं जूम करके दिखाया मैंने आपको तब इतना ऐसा दिख रहा था। हेलो एवरीवन, ये देखो फार्म में यहाँ पर मजदूर रहते हैं और इतना ही दिख रहा है। यहाँ पर जो आग लगी हुई है ना, ये देखो यहाँ पर इसमें सिलेंडर में आग लग गई है और क्या कहते हैं बहुत टाइम से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बुझ ही नहीं रहा है। उनने कंबल डाल दिया, मट्टी डाल रहे हैं बेचारे, लेकिन देखो 5 किलो वाला जो सिलेंडर होता है ना वो पूरा एकदम आग, इतने इसके ऊपर कंबल और कम से कम इतनी मट्टी डली है फिर भी उसकी आग बंद नहीं हो रही है। और इसी के पास में ये लोग खड़े हैं, अगर फट गया तो इनको कितना नुकसान हो जाएगा। आग बंद नहीं हो रही, मट्टी डाल दी उनने, पूरा मट्टी से बंद कर दिया उसको, लेकिन वो जितनी मट्टी डाल रहे हैं उतनी ज़्यादा आग पकड़ रहा है। देखो कितनी भयंकर, मतलब यहाँ से मैं बहुत दूर है, हमारा घर बहुत दूर है और मैं बिल्कुल बिल्कुल क्लोज में करे हूँ तब ये इतनी पास से दिख रही है। और पास से अगर देखोगे तो वो तो पानी डाल रहे हैं कितने बड़े बड़े, क्योंकि पानी से तो और ज़्यादा आग पकड़ता है। पानी डालने से कम उनने मट्टी डाल दी होगी, 2 बोरी मट्टी डाल दी, कम से कम 10-15 तसला उसने मट्टी डाल दी होगी। पूरा चुट्टी लग गई है मट्टी की, लेकिन सिलेंडर पूरा बेचारे कितने परेशान हो रहे हैं। ये देखो कितनी भयंकर आग, तो इतनी दूर से आपको इतनी ज़्यादा आग दिख रही होगी तो सोचो पास में कितनी ज़्यादा होगी। और दूर नहीं हट रहे हैं, उनको डर भी नहीं लग रहा है कि अगर ये फटा तो कितनी दिक्कत आ जाएगी। और सब लोग मना कर रहे हैं कि दूर भाग जाओ, वो जितनी मजदूर आपको आसपास दिख रहे हैं ये सब फार्म में जो काम करते हैं ना वो मजदूर हैं, ये यहाँ पर वो लोग रहते हैं तो शाम को बेचारे काम वाम करके अपना खाना बनाने के लिए आए होंगे। मैं छत पे से टहल रही थी, मम्मी से बात कर रही थी तो मैंने देखा यहाँ पर सिलेंडर में आग लग गई है, तो मैं सोचा और देखो सब लोग चिल्ला रहे हैं कि दूर भाग जाओ वो फटेगा फटेगा, और वो बेचारा मान नहीं रहा है क्योंकि गरीब है बेचारे, 2 वक्त की रोटी पूरे दिन मजदूरी करके खा पाते हैं, उन्हें लग रहा है कि सिलेंडर तो बच जाए, पर इतना नहीं पता कि अब वो बुझने वाला नहीं है, फटने का ही डर है उसका। बेचारा मट्टी डालने पर, जबकि पता है ये मट्टी से कुछ नहीं हो रहा है, सोचो कितनी मट्टी के नीचे सिलेंडर दबाया और फिर भी आग इतनी मतलब इतनी ज़्यादा हो रही है। देखो दिख रही होगी आप सबको कितनी ज़्यादा आग हो रही है। भाई साहब बेचारे देखो, और अब जब से कोई नहीं आया उनकी हेल्प करने के लिए, अब जब ज़्यादा आग दिखी तब वो लोग आ गए। और ये सब लोग पास में क्यों खड़े हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अगर फटा तो बहुत भयंकर फटेगा ये। और चिल्ला रहे हैं, इतनी दूर आवाज़ नहीं आ रही है क्लियर, बट बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं ये लोग। ये गड्ढा वड्ढा खुदा है क्योंकि यहाँ पर पूरा फार्म में देखो आप काम चल, देखो कितनी भयंकर, और जिन लोगों को डर नहीं लग रहा है कि दूर नहीं भाग रहे हैं उससे बिल्कुल भी, मट्टी डाल डाल के बेचारों ने बंद कर दिया। तो अभी मट्टी इतनी ज़्यादा डाल दी कि बिल्कुल सिलेंडर पूरा कवर हो चुका है, इसीलिए आग बंद हो गई इसकी।